हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने एसएच क्वेश्चन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक लेसन जिसका नाम है दी एलाइंग प्लेनेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल, हम लोग इस लेसन के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने इस लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को अपलोड कर दिया है। दो पार्ट में मैंने लगभग 19 से 20 क्वेश्चन को इंक्लूड किया, उसमें दो पार्ट में मैंने उसको कवर किया है। और आज हम लोग जो है तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टडी करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये तीनों स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ डज द ऑथर जस्टिफाई हिज स्टेटमेंट अबाउट द क्रिटिकल कंडीशन ऑफ आवर एलाइंग प्लेनेट। क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है कि हाउ, किस प्रकार डज द ऑथर जस्टिफाई, ऑथर जो है जस्टिफाई करता है, ऑथर जो है किस प्रकार जस्टिफाई करता है, मतलब औचित्य निर्धारण करता है हिज स्टेटमेंट अपने कथन का अबाउट द क्रिटिकल कंडीशन ऑफ आवर एलाइंग प्लेनेट। कह रहा है कि हमारे प्लेनेट के, हमारे ग्रह के, ग्रह कौन है, पृथ्वी, हमारी मतलब इस हमारे इस पृथ्वी के क्रिटिकल कंडीशन पर, मतलब एक दुखद स्थिति पर, एक संकटकालीन स्थिति पर, किस प्रकार इसमें कह रहा है कि किस प्रकार राइटर जो है हमारा जो ग्रह, हमारा जो प्लेनेट पृथ्वी है उसके क्रिटिकल कंडीशन को, क्रिटिकल कंडीशन को किस प्रकार जस्टिफाई करता है। सीधे सीधे ऐसे कह सकते हैं कि जो ऑथर है, हमारा जो प्लेनेट, हमारा ग्रह जो पृथ्वी है उसकी जो क्रिटिकल कंडीशन है, मतलब जो जो संकटग्रस्त स्थिति है उसको कैसे वर्णन करता है। देखिए इसमें कि दी अर्थ टुडे लुक्स लाइक ए पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। कह रहा है कि दी अर्थ, पृथ्वी जो है, कह रहा है दी अर्थ टुडे, आज की पृथ्वी जो है लुक्स लाइक ए पेशेंट, एक पेशेंट की तरह दिखती है, पेशेंट मतलब एक मरीज की तरह दिखती है इन डिक्लाइन हेल्थ। डिक्लाइन मीन्स होता है नष्ट होना, हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य। कह रहा है कि जिसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, कह रहा है कि हमारी पृथ्वी जो है एक खराब स्वास्थ्य वाले पेशेंट की तरह दिखती है, मतलब एक मरीज की तरह दिखती है। दी नेचुरल रिजोर्सेस आर डिक्लाइन। कह रहा है कि जो नेचुरल रिजोर्सेस है, मतलब जो प्राकृतिक संसाधन है, कह रहा है कि यार डिक्लाइनिंग, वो क्या हो रहा है, वो नष्ट हो रहा है। डिक्लाइन मीन्स नष्ट होना। कह रहा है कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है वो नष्ट हो रहे हैं। देर आर फोर प्रिंसिपल सिस्टम्स। कह रहा है कि चार मुख्य सिस्टम है, चार मुख्य प्रणालियाँ हैं विच सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ, जो पृथ्वी पर जो है लाइफ को सपोर्ट करती है, अर्थात जो पृथ्वी पर जीवन को सहारा देती हैं, वह चार मुख्य प्रणालियाँ हैं। करें कौन कौन सी हैं, जैसे फिशरीज है, मछली उत्पादन है, फॉरेस्ट है, जंगल है, ग्रासलैंड, घास के मैदान है, एंड एग्रीकल्चर और कृषि है। ये चार जो है फोर सिस्टम है, मेन सिस्टम है जो जीवन पे, जो पृथ्वी पर जो है जीवन को सपोर्ट करते हैं। करें कि दे फॉर्म द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। करें कि दे फॉर्म, वे बनाते हैं द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। कह रहा है कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, मतलब वे फॉर्म में होता है निर्माण करना, वे वैश्विक आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं, मतलब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था ही जो है इन्हीं चारों सेक्टर पर निर्भर है, ये जो चार सिस्टम है। कह रहा है कि बट मैन, लेकिन आदमी हैज ओवर एक्सप्लॉयटेड ऑल द फोर सोर्सेज। लेकिन मनुष्य ने क्या किया है कि ये जो चारों फोर सोर्सेज हैं, चारों जो स्रोत हैं, इनको क्या कि ओवर एक्सप्लॉयटेड किया है, मतलब इनका मनुष्य ने अत्यधिक दोहन किया है, आवश्यकता से अधिक दोहन किया है, क्यों, अपने लालच में, धन कमाने के लालच में। फिशरीज है कोलैप्स्ड। कह रहा है कि मछली उत्पादन जो है कोलैप्स्ड हो गया, मतलब कम हो गया है। फॉरेस्ट आर डिसअपीयरिंग, जो जंगल हैं वो डिसअपियर हो रहे हैं, अर्थात वे गायब हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। पास्चरलैंड, और जो चरागाह है, चरागाह मतलब घास का मैदान है, आर टर्निंग इनटू वेस्टलैंड, वह परिवर्तित हो रहा है किसमें, वेस्टलैंड में। वेस्टलैंड मतलब बंजर भूमि में परिवर्तित हो रहा है बिकॉज ऑफ ओवर ग्रेजिंग। कह रहा है किसे, ओवर ग्रेजिंग, अत्यधिक चराई के कारण। कह रहा है कि मतलब अत्यधिक पशु चारण के कारण। एग्रीकल्चर इज ऑल्सो इन बैड स्टेट।
कह रहा है कि जो कृषि है वो भी बैड स्टेट में है, मतलब खराब स्थिति में है। इन दिस प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, कह रहा है इस प्रोटीन के भूखे संसार में नोबडी बॉदर्स अबाउट द फ्यूचर, कोई भी व्यक्ति जो है भविष्य की परवाह नहीं करता। लॉज आर रेयरली, कह रहा है कि लॉज, कानून जो है रेयरली रिस्पेक्टेड, कह रहा है बहुत कम उनका आदर किया जाता है, आर इन्फोर्स्ड ऑनेस्टली, या उनको ईमानदारी पूर्वक बहुत कम लागू किया जाता है। कानून तो बने हैं, बहुत सारे कानून बने हुए हैं पर्यावरण संबंधित और चीज़ों से, लेकिन इंडिया में न तो उनको रिस्पेक्ट किया जाता है, न तो उनको जो है स्ट्रिक्टली अप्लाई किया जाता है। कह रहा है कि द रिजल्ट्स आर डिस्टर्बिंग, कह रहा है कि इसका जो परिणाम है वो डिस्टर्बिंग है, मतलब इसका परिणाम जो है वह परेशान करने वाला है। इंडियन फॉरेस्ट हैव बीन रिड्यूस्ड टू 1/10 ऑफ देयर फॉर्मर साइज इन द लास्ट 40 ईयर्स, कह रहा है कि जो इंडियन फॉरेस्ट से भारतीय जंगल है, कह रहा है कि हैव बीन रिड्यूस्ड, वह कम हुआ है। कितना कम हुआ है? टू वन टेंथ, कितना? 1/10 ऑफ देयर फार्मर साइज, अपने पहले के आकार में इन द लास्ट 40 ईयर्स, 40 वर्षों में। कह रहा है कि पिछले 40 वर्षों में भारत के जंगल जो है वह 1/10 कम हुए हैं, करा कि उसकी अपेक्षा जो 40 साल पहले थे उस तुलना में 1/10 कम हुआ है। देर इज अ वाइल्ड रेस टू स्ट्राइप द अर्थ ऑफ ऑल इट्स रिसोर्सेस, ठीक है। इसमें करा कि देर इज अ वाइल्ड रेस, एक जंगली दौड़ है क्या करने की, टू स्ट्राइप द अर्थ, स्ट्राइप होता है छीनना, ऑफ ऑल इट्स रिसोर्सेस, रिसोर्सेस में संसाधन, करा कि अब करा कि पृथ्वी के सभी संसाधनों को छीनने की एक जंगली दौड़ है। पृथ्वी के सभी संसाधनों को छीनने की एक जंगली दौड़ था, सभी लोग जो है अंधाधुंध बिना सोचे बिचारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं केवल अधिक से अधिक धनार्जन करने के लिए। वह यह नहीं सोच रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों को क्या इन सब की चीज़ों की चीज़ें मिल जाएंगी, उनकी पूर्ति होगी कि नहीं होगी। करा कि द रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम इज पॉपुलेशन ग्रोथ, करें कि द रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का जो रूट काज है, मतलब जो मुख्य जड़ है वो क्या है, वो है इस पॉपुलेशन ग्रोथ, वो जनसंख्या वृद्धि है, मतलब जनसंख्या वृद्धि ही इसका मूल कारण है। द सर्वाइवल ऑफ आवर रेस एंड द प्लेनेट, करें कि सर्वाइवल ऑफ आवर रेस, हमारी जाति का जीवन एंड द प्लेनेट, और ग्रह का जीवन जो है डिपेंड्स ऑन फैमिली प्लानिंग, वह जो है परिवार नियोजन पर निर्भर करता है। एंड द रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, और गरीबी के उन्मूलन पर निर्भर करता है। कह रहा है कि हमारी जाति का जीवन जो है, हमारे प्रजाति का जीवन और इस ग्रह का जीवन जो है फैमिली प्लानिंग पर निर्भर करता है, परिवार नियोजन पर, और किस पर निर्भर करता है, और रिमूवल ऑफ पॉवर्टी अर्थात गरीबी के उन्मूलन पर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि हाउ डज नैनी पालखीवाल अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसमें करें कि हाउ, करें कि किस प्रकार नैनी पालखीवाल, करें जो नैनी पालखीवाल हैं, अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, करें कि वे जंगल के महत्व को किस प्रकार अंडरलाइन करते हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, करें कि पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवों को बनाए रखने के लिए, मतलब सभी प्रकार के जीवों के जीवन को बनाए रखने के लिए वह किस प्रकार जो है जंगल को आवश्यक मानते हैं। तो इसके आंसर को देखते हैं। इसका आंसर है कि फॉरेस्ट और मैंस रियल फ्रेंड, जो जंगल हैं वो मनुष्य के रियल फ्रेंड है, मनुष्य के सच्चे मित्र हैं। दे सस्टेन देमसेल्फ, इफ वी डिस्ट्रॉय देम केयरफुली, कह रहे कि दे सस्टेन देमसेल्फ, सस्टेन टिकाऊ बनाना, वे अपने को टिकाऊ बनाते हैं, कौन, फॉरेस्ट, कह रहे इफ वी डिस्ट्रॉय देम केयरफुली, यदि हम उनको सावधानीपूर्वक नष्ट करते हैं, नष्ट करने का मतलब यहाँ से, यदि हम उनका सावधानीपूर्वक उपरोक्त उपयोग करते हैं तो वे अपने आप को सस्टेन करते हैं अर्थात अपने आप को टिकाऊ बनाते हैं, मतलब लंबे समय तक रह सकते हैं।
दे प्रोवाइड फूड टू द पीपुल, वह लोगों को भोजन प्रदान करते हैं, एंड रॉ मटेरियल, और क्या प्रदान करते हैं, रॉ मटेरियल, कच्चा माल प्रदान करते हैं टू इंडस्ट्रीज, उद्योगों को, वे हमें भोजन प्रदान करते हैं, उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करते हैं। व्हेन फॉरेस्ट आर क्लियर्ड माइंडलेसली, कह रहा है जब जंगलों को क्लियर किया जाता है, मतलब साफ किया जाता है माइंडलेसली, मतलब बिना सोचे बिना विचार किए उनको नष्ट किया जाता है। डिजर्ट्स ओवरटेक आर एक्सपेंड, तो क्या होता है डिजर्ट ओवरटेक, तो डिजर्ट तो रेगिस्तान की, तो रेगिस्तान उत्पन्न होता है, आर एक्सपेंड या रेगिस्तान का विस्तार होता है। मैनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स डिसअपियर, कह रहा है कि मैनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, बहुत सारे पक्षियों और जानवरों की जो स्पीसीज हैं, मतलब जो जातियाँ प्रजातियाँ हैं, डिसअपियर, वह गायब हो जाती हैं। द बर्निंग क्वेश्चन टूडे इज हाउ टू चेक डिफॉरेस्टेशन, इसमें कह रहा है कि द बर्निंग क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन मतलब कह रहा है कि ज्वलंत प्रश्न टूडे, कह रहे हैं आज का ज्वलंत प्रश्न क्या है, कह रहा है इज हाउ टू चेक डिफॉरेस्टेशन, कि डिफॉरेस्टेशन को कैसे रोका जाए, अर्थात तो वन उन्मूलन को कैसे रोका जाए, या वन के हो रहे विनाश को कैसे रोका जाए। द वर्ड बिलोंग्स एज मच, सॉरी, द वर्ड बिलोंग्स एज मच टू अस एज टू आवर सक्सेसर्स और ग्रैंड चिल्ड्रन, क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है कि द वर्ड, यह संसार जो है बिलोंग्स एज मच टू अस, हमसे उतना ही, हमारा उतना ही है, यह संसार जो है हमारा उतना ही है एज टू आवर सक्सेसर, जितना हमारा, जितना ये हमारे उत्तराधिकारियों का है, आर ग्रैंड चिल्ड्रन, या हमारे पोते पोतियों का है, आने वाली पीढ़ियों का, लेकिन मतलब जितना यह संसार हमारा है उतना आने वाली पीढ़ियों का भी है। हेंस, इसलिए इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी, इसलिए हमारा यह नैतिक कर्तव्य है टू कीप इट ग्रीन, इसे हम लोग हरा भरा रखें, फर्टाइल, उपजाऊ रखें, एंड रिच इन नेचुरल वेल्थ, और प्राकृतिक संसाधनों से क्या रखें, भरा हुआ रखें, प्राकृतिक संसाधनों से संपूर्ण रखें, पूर्ण रखें इसको। इट इज़ राइटली सेड, यह सही कहा गया है, दैट की देयर वर वास्ट फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड, कि कह रहे देयर वर वास्ट, एक कह रहे विशाल जंगल होते थे, एंड ग्रास लैंड, और घास के मैदान होते थे, बिफोर मैन केम ऑन द सीन, कह रहे मनुष्य को दृश्य में आने से पहले, मनुष्य को दृश्य में आने से पहले विशाल जंगल और घास के मैदान हुआ करते, मतलब उसका मतलब मनुष्य पृथ्वी पर आने से पहले, सीन का मतलब यही है। कह रहा है कि बट इट सिम्स इन द नेक्स्ट स्टेज, लेकिन अगले स्टेज में यह प्रतीत होता है कि देयर विल बी ओनली डिजर्ट्स, कि केवल रेगिस्तान ही होंगे, एंड और वेस्टलैंड्स, और वेस्टलैंड होंगे, वेस्टलैंड मतलब बंजर भूमि होगी, रेगिस्तान और बंजर भूमि होगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान प्रोवाइड्स, प्रदान करता है, दैट की द स्टेट्स शैल प्रोटेक्ट, कि जो राज्य हैं वह प्रोटेक्ट करेंगे, सुरक्षा करेंगे द इन्वायरमेंट, करें पर्यावरण का, एंड सेफ गार्ड्स द फॉरेस्ट, और जंगलों को संरक्षित करेंगे, एज वेल एज वाइल्ड लाइफ, और साथ ही साथ जंगली जीवन को भी संरक्षित करेंगे। बट हु केयर्स, लेकिन कौन परवाह करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए तीसरा और अंतिम प्रश्न है, किसमें पूछ रहा है कि हाउ इज़ द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ, तो किसमें कह रहा है कि हाउ, किस प्रकार इज द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, बढ़ती हुई मनुष्य की जनसंख्या, रिस्पॉन्सिबल, वह जिम्मेदार है फॉर द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के नष्ट होते हुए स्वास्थ्य के लिए। इसमें कह रहा है कि किस प्रकार पृथ्वी के नष्ट होते हुए स्वास्थ्य के लिए जो है मनुष्य की बढ़ती हुई जनसंख्या जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार होता है। अब आइए इसके प्रश्न को देखते हैं, सॉरी इसके आंसर को देखते हैं, तो किसमें कह रहा है कि अनडाउटेडली, अनडाउटेड मतलब ऑफ कोर्स, कह रहा है निश्चित रूप से द नंबर गेम इज गोइंग टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, कह रहा है कि जो नंबर गेम है,
जो नंबरों का खेल है, मतलब नंबरों का, मतलब जनसंख्या, मनुष्य की जनसंख्या का, मनुष्य के संख्या का, कह रहा है जो नंबर गेम है इज गोइंग टू डिसाइड, वह निश्चित करने जा रहा है द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज के भविष्य को, अर्थात जनसंख्या मतलब मनुष्यों की संख्या ही जो है मानव समाज के भविष्य का निर्धारण करने जा रही है। द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज आवर एनमी, करेक्ट, इज आवर एनमी नंबर वन, करेक्ट। द रैपिड ग्रोथ, रैपिड होता है तेज, करेक्ट, कि रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का तेज विकास, करेक्ट, इज आवर एनमी नंबर वन, ये हमारा शत्रु नंबर एक है। एनमी मीन शत्रु होता है। इट नॉट ओनली ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज, यहाँ पर ऑल के बाद जो है यहाँ पर स्टॉप होना चाहिए, चूँकि मिट गया है स्टॉप, ठीक है, स्टॉप या प्रिवेंट लिख सकते हैं, इसमें छूट गया है। कहता है कि इट नॉट ओनली स्टॉप डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, कराए यह जो है विकास की क्रियाओं को ही नहीं रोकता, बट ऑल्सो रिड्यूसेस, बल्कि कम कर देता है द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस, कराए कि वर्तमान में संसाधनों को, यह केवल जो है विकास की क्रियाओं को ही नहीं रोकता, बल्कि क्या करता है, यह जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, जो जो वर्तमान के संसाधन हैं, उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, मतलब कम कर देता है। दी वर्ल्ड पॉपुलेशन वॉज 100 करोड़ अप टू द ईयर 1800। इसमें कह रहा है कि दी वर्ल्ड पॉपुलेशन, विश्व की जनसंख्या जो थी वॉज 100 करोड़ थी, कब तक, कह रहा है अप टू द ईयर 1800 तक, 1800 तक वर्ष की जन विश्व की जनसंख्या कितनी थी, 100 करोड़। दी नेक्स्ट सेंचुरी, अगली शताब्दी, दी नेक्स्ट सेंचुरी एडेड 100 करोड़ मोर, कह रहा है कि अगली शताब्दी में 100 करोड़ और ऐड हो गया। बट एट द एंड ऑफ 20th century, लेकिन 20वीं शताब्दी के अंत में द पॉपुलेशन टच द फिगर ऑफ 600 करोड़ की, लेकिन 20वीं शताब्दी में द पॉपुलेशन, जनसंख्या ने टच, स्पर्श कर दिया द फिगर ऑफ 600 करोड़, कह रहा है कि 600 करोड़ की संख्या, 600 करोड़ के फिगर उसने टच कर दिया, मतलब 600 करोड़ की संख्या हो गई 20वीं शताब्दी में। वन वे टू चेक द पॉपुलेशन बूम इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, कह रहा है कि वन वे, एक तरीका टू चेक द पॉपुलेशन बूम, जनसंख्या विस्फोट को रोकने का, कह रहा है कि वन वे एक तरीका है, क्या है, इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि जीवन की गुणवत्ता को सुधारा जाए, इम्प्रूवमेंट होता है सुधारना, एंड स्प्रेड एजुकेशन, और एक क्या है, स्प्रेड एजुकेशन, शिक्षा को फैलाया जाए। बट टुडे, लेकिन आज द रिच आर बिकमिंग रिचर, जो धनी हैं वह और धनी होते जा रहे हैं, वाइल जबकि द पुअर आर, जबकि जो गरीब हैं, प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर चिल्ड्रेन, वह अधिक और अधिक बच्चे पैदा कर रहे हैं। वन अल्टरनेटिव, एक विकल्प, करें वन अल्टरनेटिव, एक विकल्प और है कि इज टू स्टेरलाइज, कि बंध्याकरण कर दिया जाए द पीपुल, लोगों का, बाय यूजिंग फोर्स, बल का प्रयोग करके, मतलब उसका कहने मतलब है कि एक उपाय और है कि लोगों का जबरदस्ती बंध्याकरण कर दिया जाए, जैसा चाइना में है। बट दैट स्टेप इज नॉट प्रैक्टिकल, लेकिन यह कदम जो है व्यवहारिक नहीं है। द ओनली इफेक्टिव मीन्स, केवल एक प्रभावशाली साधन यह है कि इज टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ फैमिली प्लानिंग, कि परिवार नियोजन के संदेश को फैलाया जाए। एक प्रभावशाली साधन ये है कि जो फैमिली प्लानिंग है, परिवार नियोजन है, इसके संदेश को फैलाया जाए। एजुकेट द पीपल, लोगों को शिक्षित किया जाए, एंड मेक देम अवेयर, और उन्हें जागरूक किया जाए ऑफ द डेंजर्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन, कह रहा है कि अत्यधिक जनसंख्या के खतरों से, अवेयर मीन्स होता है अवगत कराना, और उन्हें अत्यधिक जनसंख्या के खतरों से अवगत कराया जाए। तो स्टूडेंट्स, ये रहा 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आशा करता हूँ समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।